ਯਾਰ ਕਿ ਹੱਥ ਪਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਗਾ ਥਾਂ ਪਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚਾਰਾ ਵੀ ਭਾਲ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को आज एक और नई वीडियो में वेलकम कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब दोस्त भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब आज बहुत प्यारी धूप लग गई है और आसमान भी बिल्कुल साफ़ है आज अल्हम्दुलिल्लाह। बादल वगैरह बिल्कुल भी नहीं आसमान पर। इंशाल्लाह जो है ना आज बहुत मज़े की धूप लगने वाली है और आज का दिन जो है ना बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। इस महीने में जो है ना दो दिन पहले धूप निकली थी और आज जो है ना फिर काफ़ी दिनों के बाद अल्लाह का शुक्र है कि बहुत प्यारी धूप माशाल्लाह जी निकली है अल्हम्दुलिल्लाह। की बनता पा धुप सेक दो भाजी? शुक्र अल्लाह का धुप चढ़ी है तो भार की वहा लगे कमाल शाला माल वहाना। अच्छा इन्हों कहना ऐ देना तो वह लैना परतदा नी रहा उथे मुंडा जा पहुंचा भा इथे लभदा फिर मुंडा पता नहीं किधर गया। तस्वीर बनदी पी भर शुरू वेचन लगे यार बकरियां। आहो अगले दिन भी दो बकरियां लाल हो गई। आहो यार एक इन्हां दा ही ते इक उधर अपना ही वड्डा सौदा यार मार लगा कोई। अच्छा इन्हां दा की बनेगा? चलो हिस्से सही चंगी छोटी जी बच्ची ला के मैनू बच्ची लिया दे निक्की भावे वड्डी लिया दे कर लांगे तेरे को घट वाधा। पूरा महीना भा लिया कर छुट्टियां की थी ना? दो महीने धुप वाला ही होना है। धुप चढ़े तो फिर ही पापर शापर तैयार होंगे। हाँ जी हाँ जी। तो आज माशाल्लाह बहुत मज़े की धूप निकली है ना तो यहाँ पर देखें जानवर भी बहुत मज़ा कर रहे हैं धूप में। आज इनकी भी इंशाल्लाह सर्दी दूर हो जाएगी। आज खूब धूप को इंजॉय करेंगे। वो बोले हमारे गाय जो है ना उसको सर्दी लग गई हुई थी तो जब ज़्यादा सर्दी हो गई थी ना तो फिर उसको मैंने घर में ही बंद कर दिया हुआ था तो अभी जो है ना उसको भी बाहर निकाल दिया इन जानवरों के साथ। आज धूप जो है ना ये खूब इंजॉय करेंगे। तो धूप के बगैर जी कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने इतनी मखलूक पैदा की हुई है जानवरों के लिए इंसानों के लिए फसलों के लिए धूप जो है ना ये बहुत ज़रूरी होती है। ये जो फसलें हैं इनको भी जब हीट मिलती है ना तो फिर ये बड़ी होती हैं। तो जितने दिन सर्दी रही है ना फसलों की नशोनुमा भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई है उसकी वजह से। तो ये हमारा जो है ना चारे का खेत है। यहाँ पर हमने जानवरों का चारा काश किया हुआ है। ये देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा जगह जो है ना बीच बीच में जनाब ख़राब हो गई है। मतलब जहाँ से जो चारा है ना ये सड़ गया हुआ है ये सारा सर्दी की वजह से हुआ है। ये देखें आप कितनी ज़्यादा जगह जो है ना बीच में खाली हो गई है। इस वक्त जी बहुत मज़े की हवा चल रही है और मौसम बहुत ज़बरदस्त हो चुका है तो खेतों में जो है ना बहुत मज़ा आता है ऐसे मौसम में बाहर घूमने का। मैं कोशिश करता हूँ कि डेली व्लॉग जो है ना वो बनाया जाए लेकिन मौसम जो है ना ये बहुत जनाब मुश्किल हो गया हुआ था। अब इंशाल्लाह जो है ना मौसम आहिस्ता आहिस्ता से बेहतर होना शुरू हो गया है
तो इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों के लिए बहुत मज़े मज़े के डेली ब्लॉग जो है ना वो इंशाल्लाह हम लेके आया करेंगे। इस वक्त हम जनाब जा रहे हैं जी अपने साथ वाले गांव। हम वहाँ पे जो है ना अली सर को भी काम है और मुझे भी थोड़ा सा काम है, तो अजीज भाई जो है ना वो अकेले थे घर में तो बोल रहे थे कि मुझे भी साथ ले चलो। करी दवाई लेना है नहीं दवाई करी लैनी है फिर भी है बुखार के नहीं बुखार चढ़िया ठीक है मेहरबानी सामने चलो ठीक है चलो देखी दही बड़े हाथ कि कम खराब ना कर दी कोई ये भी बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे चुप डंडा वो पैर रहे हैं बड़ी शॉट मारी बोले चलो अज अभी ना चुप डंडे की वारी लाइए चुप डंडा ही कहते चलो मैं अरे क्या हथ पिच बनाने जो वेगा थां पे पर तुम मानते ही नहीं यार बन गई वीडियो लो जी अजीज ने जो शरारत की है पिछे जंप ही उतो चुकया इन्हें जनाब कराची यकदम ही छड़िया दही छड़िया नहीं तो अपना तो नुकसान कर ले वेखो इशारा भी भन लिया इन्हें पिछू नंबर प्लेट भी जी वह भी डिंगी हो गई है वाह भाई अपने नुकसान तो अपने ही हो तेरे गड्डी का एवं मजाक मजाक के बच्चे जोड़ा ना मजाक कर रहा है नहीं सानू उतो मार देन पे मजा आया वीडियो का अगे नो वो खैर कपड़े नहीं खा रहे पुत्र अगे बच गए चुप ये तो बच गए सट नहीं लगी है मेरी कौन लगी दही था मेरे हाथ में ये भी बच गया नहीं तो मुझे ये था कि हम गए थे स्पेशल दही लेने के लिए और अगर दही जाया हो गया ना तो फिर जो है ना दोबारा जाना पड़ेगा गाँव तो इसकी जनाब बचत हो गई है। हाँ देखे मेरा दही से भर गया